स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। कल बेटा हमने टॉपिक पढ़ा है ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का, ठीक है। इनिशियल स्टेज में था वो, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे उसके, ठीक। आज कुछ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर जो बाद में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन होता है वो भी, ठीक है। तो जीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो पहला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 9.3 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी से मैंने आपको पहले बोल दिया था कि एनसीईआरटी से ही आप चैप्टर कीजिएगा इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो द क्वेश्चन इज गिवन, फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज पी, eighth term is Q, A8 लिख दिया, अंडरस्टूड है, eighth term, and 11th term is S. Then prove that Q square is equal to PS. ये प्रूव करना है, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो सीखिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट A be the first term and R be the common ratio. Of this GP, ठीक। Now, given fifth term, that is A5 equals to P, or A5 को हम लिख सकते हैं ए आर टू दी पावर 4 इक्वल्स टू पी। सो इज क्वेश्चन नंबर 1 गिवन, एट टर्म इज क्यू, और वी कैन राइट ए आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू क्यू, कंसीडर्ड एज क्वेश्चन नंबर 2। ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड 11th टर्म एस AR to the power 10 is equals to S. This is equation number 3. ठीक है, ये तीन इक्वेशन मिल गई हैं। अब जो हमें प्रूव करना है वो लिखते हैं, टू प्रूव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू एस। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, RHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, पी इंटू एस। पी की वैल्यू है हमारे पास AR to the power 4, और S की वैल्यू है AR to the power 10। दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू पावर 14। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए आर की पावर 7 एक्चुअली क्यू है, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 विच इज LHS। हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया हमारा सॉल्व, ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट बी है ये, क्वेश्चन नंबर 5 बी। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच टर्म ऑफ द जीपी इज, व्हिच टर्म ऑफ जीपी, जीपी है रूट थ्री एंड सो ऑन इज 729। इस जीपी का कौन सा टर्म 729 है, सॉल्यूशन
फर्स्ट टर्म ए, अंडर रूट थ्री, कॉमन रेशियो आर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म थ्री अपॉन रूट थ्री, ये भी रूट थ्री ही होगा. नाउ वी नो दैट nth term is given by an is equals to ar to power n minus 1. Let 729 is the rth term, nth term, sorry. Let nth term is 729. So 729 will be equal to ar to the power n minus 1 means root 3 into root 3 to the power n minus 1. Is tarah se likh sakte hain sir. ये बेटा ये क्या है, ये होता है 9 का क्यूब. तो 9 का क्यूब, तो 9 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 into 3 और इसका क्यूब, और ये हो गया रूट 3 की पावर n, करेक्ट, क्योंकि ये माइनस 1 अपॉन में रूट 3 हो गया, तो कैंसिल हो गया है इससे. तो ये हो गया है 3 की पावर n/2 इस तरह से, और ये है 3 square root 3 की पावर 6. 3 power n/2 = 3 power 6. Comparing both sides, we get n/2 = 6 or n = 12. It means the answer क्या हो जाएगा? 12th term of this GP is 729. इस सीरीज का जो 12th term है उसकी वैल्यू है 729. ठीक है, ये है क्वेश्चन, इस तरह से हो गया सॉल्व. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक सीरीज गिवन है, उसके एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना. तो ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाला टाइप, तो ये नहीं बता रहा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. ठीक, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, क्या बोला गया है लिख देता हूँ पहले. सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ इन जीपी इज, ठीक है ये सम वाला आगे, तो मैं अब आपको बताता हूँ. जैसे एपी में 3, 4 और 5 टर्म्स को इंसर्ट किया जाता है, तो सिमिलरली इन जीपी कैसे लिखते हैं. इंसर्टिंग नंबर ऑफ टर्म्स GP when product is needed. जब प्रोडक्ट हो तभी यूज करिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है. जब प्रोडक्ट हो, और एपी में क्या होता था, सम गिवन है. तो थ्री टर्म्स की बात करूंगा मैं, थ्री टर्म्स होते हैं बेटा ए अपॉन आर, ए और ए आर. ओके, फोर टर्म्स की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब. ठीक, ऐसे फाइव टर्म्स क्या हो जाएंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए. अब आपको पता लग रहा है प्रोडक्ट करने पे क्यों ऐसा लेट किया जा रहा है, क्योंकि आर कैंसिल हो जाएगा इसलिए. ठीक, तो जब भी प्रोडक्ट गिवन होगा यही यूज कर रहा हूँ. तो अब इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रखा है जो सॉल्व करना है हमें. तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12. इसमें बोला गया सम ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड आर एंड द टर्म्स. सम गिवन है एंड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट में 3 टर्म्स है, 1, फाइंड द टर्म्स एंड कॉमन रेशियो आर. आर से कंफ्यूजन में तुम्हें क्या, ठीक है, लेट द टर्म्स
वी, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए ए अपॉन आर ए और ए आर, ठीक है, सम ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 39/10 एंड प्रोडक्ट मीन्स ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, आर से आर कैंसिल, तो देखिए ए क्यूब की वैल्यू बना आ गई और ए इक्वल्स टू, सॉरी क्यूब में है स्क्वायर होता तो, ठीक, तो ए पता लग गया हमें कितना, केवल प्लस वन, फर्स्ट टर्म पता लग गया, सो इमीडिएट टर्म है ये। अगर हमें आर भी फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ ये वन रख देते हैं, तो वन अपॉन आर प्लस वन प्लस ओनली आर, एलसीएम ले लो बेटा, तो हो जाएगा ये आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल्स टू 39/10 आर, टेन मल्टीप्लाई तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 39 माइनस 29 आर प्लस 10 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये 100 और यहाँ 29, ठीक है, तो हमें देखना है कि कोई दो ऐसे नंबर जिनके प्रोडक्ट करने पे ये 29 भी आ जाए 100 भी आ जाए, ठीक है, तो 25 इंटू 4 होता है तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, यहाँ से देखिए 5 आर कॉमन आ रहा है तो बचेगा कितना 2 आर माइनस 5 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है 2 आर माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 आर माइनस 5 पूरा कॉमन और 5 आर माइनस 2, आर की वैल्यू बेटा मिल गई, एक तो 5/2 और दूसरी है 2/5, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दीजिए तो कॉमन रेशियो तो पता लग ही गया, साथ साथ अब टर्म्स क्या हो जाएंगे, पहले हम 5/2 रख रहे हैं तो 5/2 जब रखेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 वन क्योंकि एक वैल्यू वन थी और 5/2, और अगर मैं 2/5 रखूँगा तो 5/2 वन और 2/5, ये है हमारा आंसर, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया एक और सॉल्व, करेक्ट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अभी एक और क्वेश्चन बताने वाला हूँ मैं आपको नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद ऐसे चार टर्म भी हो सकते हैं या पांच भी हो सकते हैं, तो तरीका यही रहने वाला है जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया इसी टाइप से, ओके, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 13 आउट करते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर ज्योमेट्रिक मेन वाला टॉपिक आ जाएगा, तो वो आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और हाँ एक और जरूरी चीज़ वो ये कि आप रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि आपको पता है आपका टेस्ट भी है 29 को, ठीक है, तो उसके लिए भी 20 रुपये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आज लाइव क्लास भी होगी, सॉरी मतलब लाइव क्लास जो भी होगी उसमें पूछ सकते हो आप। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तो बोला गया है इन जी पी 3 square 3 cube एंड सो ऑन, हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 120। क्वेश्चन आई थिंक समझ गए हैं आप कि इस जीपी के कितने टर्म्स को ऐड करें कि सम 120 आए, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, देन कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 9/2 दैट इज 3, राइट, नाउ लेट n टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 120, ठीक, सो वी नो दैट Sn इज गिवन बाय a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन
आर माइनस वन एज आर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। एस एन की वैल्यू बेटा 120, ए की वैल्यू है 3, 3 की पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन जो कि 2 हो जाएगा, 2 और ये 120, 240 हो जाएंगे, 240 3 की पावर एन माइनस वन, 3 से डिवाइड करिए 80 आ जाएगा यहाँ, 80 इजिकल्स टू 3 की पावर एन माइनस वन, 1 ऐड हो जाएगा 81, 3 की पावर एन, 3 की पावर एन बराबर ये 9 टू 9 है, 3 की पावर 4 हो जाएगा, कंपेयर करते ही एन वैल्यू 4 आ जाएगी। इट मीन्स 4 टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 1, 2, 0, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी के साथ जो आज क्वेश्चन मैंने आपको बताने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि अभी मैं जीएम को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन को, अब आगे ज्योमेट्रिक मीन वाले ही क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा जीएम ज्योमेट्रिक मीन और एएम अर्थमेटिक मीन, इनमें दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कवर करूँगा, ये देख लिया आपने, समझिए और एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करना है ज्योमेट्रिक मीन से पहले तक के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको, थैंक यू।